बच्चे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सा है जो कह रहा है, 9th वाला बोल रहा है। देखिए डायग्राम है और बोल रहा है कि एंगल ए है ना जो, वो ए से छोटा है। एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, और एंगल डी बड़ा है एंगल सी से। और मुझे बोलना है कि भाई जो ए डी है ना वो छोटा है बी सी से, बी सी बड़ा है ए डी से, बस मुझे ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। एंगल सी मैं बोलूँगा, एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी, ठीक है, ये हमको गिवन ही है, ठीक है। मतलब देखो एंगल, मतलब जो ये देखो जो ओ सी है ना, ओ सी है ना जो मेरा एंगल डी के, देखो ये तो ये जो ओ सी है वो बड़ा होगा ना किससे, किससे, ओ डी से। ओ डी क्या है, एंगल सी, एंगल सी देखो ओ डी, ओ डी से बड़ा होगा, ओ डी से, है ना। तो देखो कितना ईजी है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा इससे आ गया। अब ऐसे ही ना बच्चों, ये जो ए बी है, ए बी का भी ऐसे ही करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। एंगल बी क्या है, देखो एंगल ए बी है तो ये होगा ए ओ, ए ओ इज लेस देन एंगल ए क्या है, बी ओ, बी ओ लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ये एक ये आ गया मेरे पे इससे, और इससे क्या आ गया, ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया। बस अब कुछ नहीं करना बच्चों, इन दोनों, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी बी ओ प्लस ओ सी। देखो मैंने इधर इधर लेफ्ट लेफ्ट वाले को ऐड कर दिया, राइट राइट वाले को ऐड कर दिया, आ गया कि नहीं आ गया। तो भैया इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके नहीं आएगा ए डी। देखो ए ओ प्लस ओ डी कितना आ गया, ए डी, ये पूरा ए डी नहीं आ गया, और ए डी इज़ लेस देन कितना हो जाएगा बच्चों, बी सी। यही तो प्रूफ करना था, देखो कितना इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, फिर तो मैजिक होगा मैजिक। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं।